आपका जो व्यवहार होता है वो आपके ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, या आपके व्यवहार के अनुरूप आपके ग्रह बदल जाते हैं। तो सूर्य को अपने व्यवहार के द्वारा कैसे मजबूत करें? सूर्य का मतलब है जो आपसे बड़ा हो, जो आपसे श्रेष्ठ हो। तो अपने से बड़ों के साथ अपना व्यवहार हमेशा ठीक रखें। सूर्य का मतलब आपके जीवन में आपके पिता हैं, इसलिए अपने पिता का विशेष सम्मान करिए। किसी के हाथ फैलाने पर जितना आप कर सकते हैं यथाशक्ति उस व्यक्ति की सहायता करिए। घर में अगर पौधों के गमले रखे हुए हैं तो उन पौधों को सूखने मत दीजिए। घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलिए, आपको लाभ होगा। अपने व्यवहार में मजबूती लाइए, अपने व्यवहार में लीडरशिप ले आइए, हर बात में आगे बढ़कर के चुनौती स्वीकार करिए। अहंकार में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, स्वाभिमान के साथ, मजबूती के साथ जीवन में आगे बढ़िए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि सूर्य देव को मजबूत करने के लिए और कौन से उपाय करेंगे। सूर्य का मतलब होता है काष्ठ यानी लकड़ी, वुड। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। तांबे का एक कड़ा, तांबे का एक छल्ला या तांबे की एक चेन अपने गले में धारण करिए। हमेशा अपने साथ एक लाल रंग का रुमाल रखिए। घर में अपने बेल का पौधा लगाइए, बेलपत्र का पौधा, और जल अर्पित करिए। अगर आप अपने घर में लाल गुड़हल के फूल का पौधा लगाते हैं तो वो लगाना भी आपके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।